अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और व्लॉग आपने देखा मेरा कि अप्पू जी के घर गाय कैसी आई है, कैसा बुलाया है और हम लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और आज का जो व्लॉग है वो मैं बना रही हूँ चांद रात वाले दिन, तो आहिस्ता आहिस्ता करके चांद रात भी आ गई है और कल इंशाल्लाह ईद का फर्स्ट डे होगा और हमारा बुल जो है वो इंशाल्लाह कुर्बान होगा। तो मैं आपसे शेयर करूँगी वीडियो और कल की भी सारी वीडियो शेयर करूँगी इसी व्लॉग में। अगर व्लॉग लंबा हो जाएगा मेरा फ्रेंड्स तो मैं उसको दो पार्ट में कर दूंगी, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग किया है। मुझे टू पार्ट्स उसके करने नहीं थे, बट ये है कि मैंने कहा आप लोग बोर हो जाएंगे इतना, मतलब 15 मिनट आधे घंटे का व्लॉग देख देख के, तो मैंने उनको पार्ट्स में कर दिया, ठीक है। सो अब ये है कि अब चांद रात स्टार्ट हो गई है। इस टाइम बज रहे हैं रात के, क्या बज रहे होंगे उषा, 12 बज गए? सीरियसली? मतलब फ्रेंड्स मैं असल में मेहंदी लगा रही थी अपनी कज़न के, उनको असल में शादी में भी जाना है, तो उनके मेहंदी लगाते लगाते मुझे टाइम का अंदाज़ा नहीं हुआ। मैं तो अभी तक समझ रही थी कि शायद 10 बज रहे होंगे, बट अभी बता रही है मेरी कज़न के रात के 12 बज चुके हैं। तो यार चलो फिर चलते हैं, इंजॉय करते हैं, गाय के पास टाइम ही कितना बचा है, चलो चल के बैठते हैं उसके पास ज़रा। और लास्ट ईयर तो मैंने मेहंदी लगाई थी, जो पिछला बोल था ना उसके मैंने मेहंदी लगाई थी, ईद मुबारक लिखा था, आखिर में वो टक्कर मारने उठ गया था। लेकिन फ्रेंड्स इसके तो मैं नहीं लगा सकती, बिल्कुल भी नहीं लगा सकती। लोग मुझे बोल रहे हैं लगाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी, कहीं ऐसा ना उसने टक्कर मारी और मैं कहीं पड़ी नहीं और कल मैं कोई काम करवाने के काबिल ही ना बचूं। तो फ्रेंड्स कल का सोचते हुए मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इस बार नहीं लिखूँगी ईद मुबारक। हाँ ये है कि मैं अपनी कज़न्स की मेहंदी लगा रही हूँ और जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं वो भी बहुत खुश हैं और वो भी मेहंदी लगवा रही हैं, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ सबकी मेहंदी की वीडियोस और शेयर करूँगी आपके साथ चांद रात की, मतलब जो हम लोग तैयारियाँ करते हैं रात से ही, तो मैं आपके साथ सारी प्रिपरेशंस शेयर करूँगी। और मुझे लग रहा है खाना तो हम लोगों ने अब तक खाया नहीं है, क्योंकि हमने दिन का खाना थोड़ा लेट खाया था। सिमी भाभी ने आज बनाया था चिकन कौरमा, बहुत मज़ेदार चिकन बादामी कौरमा बना था, और उसके बाद हमने शाम में आम वगैरह खा लिए थे, किसी ने शेक पी लिया था तो पेट फुल था, अभी तक कोई मतलब भूख का एहसास नहीं है। खाना बन चुका है, मटर पुलाव बने हैं मेरी फेवरेट, क्योंकि कल से तो हम लोग गोश्त कलेजी वगैरह सब कुछ खाना है, तो हमने कहा हम थोड़ा लाइट खाना खाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बच्चों की मेहंदी की वीडियोज़, अपनी कज़न की मेहंदी की वीडियोज़, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। गाइस सुंदस ने मेहंदी लगवा ली है, सुंदस खड़े हो जाएं, गाइस को सही से दिखाएं अपने गाइस को, ये देखें किसने लगाई है आपकी मेहंदी, आपकी बा ने लगाई है। फ्रेंड्स ये मोमल बज्जू ने लगाई है, इसकी मम्मा ने, दूसरे भी नहीं लगाई, अभी लगवाओगी, ठीक है अच्छा। और ये देखें यहाँ पे क्या चल रहा है, कौन कौन बैठा हुआ है, सब बैठे हैं बट बुल नजर नहीं आ रहा, क्या टहलने गया हुआ है, अच्छा चलो अब हम देखते हैं दनीन का हाथ। वाह भी बज्जो क्या मेहंदी लगा रही हैं, आती है आपको मेहंदी लगानी? फ्रेंड्स वो कह रही हैं मैं कीड़े बना रही हूँ कीड़े। चलें बच्चे खुश हो रहे हैं ना, बच्चों के हिसाब से तो बहुत अच्छी मेहंदी है। दनीन आप बताइए आपको कैसी लगा रही है मेहंदी, अच्छी लग रही है ना आपको, हानिया आप लगवाएंगी, हानिया भी लगवाएंगी, ये बच्चा कौन है पीछे में, अब बॉयज तो नहीं लगवा सकते मेहंदी है, बॉयज तो नहीं लगवा सकते, चलो यहाँ पे लगा रही है हमारी आरफा भाभी मेहंदी, वाओ जबरदस्त दिखाना, इनकम्प्लीट है बट अच्छी है, चलिए फाइनल भी दिखा देंगे। चलें फ्रेंड्स अब हम चलते हैं ज़रा किचन की तरफ, देखते हैं कि किचन में क्या चल रहा है, क्या बन रहा है। ओह फ्रेंड्स मैं बच गई, अच्छा जी देखते हैं। वाओ मटर पुलाव, टमाटर कैसे लग रहे हैं, मुंह में पानी आ रहा है टमाटर को देखकर, ज़बरदस्त। तो फ्रेंड्स मैं नीचे आ गई हूँ, मैंने कहा यार बहुत टाइम हो गया हम नीचे नहीं आए हैं, और जिसके लिए आए हैं वो पीछे बैठा हुआ है, भाई हम समझ रहे हैं है ही नहीं, बट बंदा हुआ है दूसरी जगह पे बंदा हुआ है, क्योंकि उसकी जगह क्लियर किया गया है, क्योंकि वहाँ कुर्बानी होनी है, वहाँ की जो भालू मिट्टी वगैरह थी वो सब हटवाई है भाइयों ने, ताकि कल सुबह आसानी हो कुर्बानी करने में, ठीक है। ये बैठा हुआ है बोल आप लोग देखे होंगे,
और यहाँ देखें क्या हो रहा है, यहाँ हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट तैयार। वाओ, है ना बाजी, आप बना रही हैं? अच्छा, मेहंदी तो दिखाएं अपनी। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने इनकी मेहंदी लगाई है। मेरा बाजी, अच्छी तो लगी ना आपको? बहुत ज़बरदस्त। और ये देखें, व्लॉगर व्लॉग बना रही है फ्रेंड्स। ये देखें, ये पैरों की मेहंदी है। और फ्रेंड ये देखें, आपकी बड़ी मेहंदी आ गई फ्रेंड्स। हैना बाजी के तो अच्छी मेहंदी लग गई है। हाँ जहरा, कि आपको याद होगा मैंने 4 बजे रात में नींद में उठ के मेहंदी लगाई थी, तो वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, बट हैना बाजी की मेहंदी अच्छी लग गई है क्योंकि मैं फ्रेश हूँ। ओके, तो जो मेहंदी लगाए वो उस टाइम पे लगवाए मुझसे मेहंदी जब मैं फ्रेश हूँ, ठीक है? आधी रात में कोई ना लगवाए। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। मुजफ्फर क्या कर रहे हैं आप? मुजफ्फर आप रस्सी खोल लो ताकि हम, तुमने वीडियोस वगैरह बनवा ली अपने कबूल के साथ? ओए होए मुजफ्फर, ये सीन नहीं करो भाई, मामी का कैमरा गिर जाएगा, मामी भाग जाएंगे फिर यहाँ से। अच्छा अच्छा, उठा दो अपने बुल को, उठा दो जरा सा, बोलो थोड़ा टहल लो, उठाओ उठाओ, खुद भी तो देखो मुजफ्फर, खुद भी तो देखो यहाँ पे कैसा है तुम्हारा पुल। बस बस, देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने कैसी प्रमोशन हो रही है मेरे व्लॉग की। चलें तो मिलते हैं, चलें थोड़ी देर बाद बनाएंगे व्लॉग, ठीक है सुंदर? अभी हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और खाना वाना खाते हैं, ठीक है? चलें फ्रेंड्स, अब खाना वाना खा लेते हैं हम सब, ठीक है? उसके बाद फिर व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, इस टाइम बज रहे हैं रात के 3 और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे बैकग्राउंड से कोई साउंड नहीं आ रहा है, ना किसी बच्चे की आवाज़ आ रही, ना किसी बड़े की आवाज़ आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों को सुला दिया है। बच्चे चले गए हैं अपनी अपनी जगहों पर, ठीक है? और मैं इस टाइम हूँ उनके ड्राइंग रूम में, क्योंकि यहाँ सन्नाटा हो रहा है, तो मैंने कहा व्लॉग कर देती हूँ कंटिन्यू। तो बच्चों को सुला दिया है ताकि बच्चे सुबह फ्रेश उठें कुर्बानी के टाइम पे। और हम लोगों ने अपने अपने कपड़े आयरन कर लिए हैं और अपने अपने हस्बैंड्स के कपड़े भी आयरन करके रख लिए हैं, ठीक है? जिसको जहाँ जगह मिली उसने अपने कपड़े वहाँ पे हैंग कर दिए हैं, और लड़कों के कपड़े मतलब कज़न्स की कबर्ड्स में है, ठीक है? तो अब हमारे ये काम भी वाइंड अप हो गए हैं। अब जब बच्चे सो जाएंगे ठीक से, अभी थोड़े थोड़े बच्चे जाग रहे हैं, कच्ची नींद में है, जब बिल्कुल प्रॉपर सो जाएंगे तो हम सब लेडीज़ दोबारा जाएंगे नीचे और फिर बुल के साथ एंजॉय करेंगे, ठीक है? अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कि किचन में उरूसा क्या कर रही है। मेरे ख्याल से उरूसा तो चाय में आ रही होगी, क्योंकि उसकी चाय बहुत डिमांडिंग होती है। इनफैक्ट घर वाले तो पीते ही पीते हैं, और राजा भाई के फ्रेंड्स वगैरह भी आके इसके आके चाय पीते हैं, ठीक है? उरूसा चाय बन भी गई, वाओ यार। देखें फ्रेंड्स, मुलाहिजा फरमाइए, ज़बरदस्त। और अभी निकल रही है और अभी बन भी रही है, ज़बरदस्त। उरूसा थकती नहीं हो, बोर नहीं होती? नहीं नहीं, बताओ ज़रा तुम, नहीं होती? दूध के आगे बैठे रहो, उबालना आ जाए, उबालना आ जाए। ये देखें, ये इसका स्टूल है फ्रेंड्स, ये बेचारी जब तक दूध में उबाल नहीं आता यहाँ चूल्हे के आगे बैठी रहती है, कि कहीं मेरी मेहनत जाया ना हो जाए। बट ये है कि चाय तो इसकी ऐसी होती है कि बंदा पिए ना तो अपने घर की क्या होटल की भी चाय भूल जाए, ठीक है फ्रेंड्स? चले अब चाय। हुनैन हमारे बहुत पसीने में हो रहा है, बेचारा मेरा भाई, दिखा दे यार, मेहनती बच्चा है हमारा, कितना प्यारा हमारा भाई है। इसको गर्मी बहुत लगती है फ्रेंड्स, ये फ्रेश होता है फिर तो, गर्मी है भी है। कोई नई बात नहीं है, गर्मी है भी बहुत ज्यादा, मुझे खुद लग रही है। सब तो एसी में बैठे हुए हैं, मैं एसी से बाहर आ रही हूं, अच्छा खासा एसी में बैठी हुई हूं। चलिए फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं और चलते हैं नीचे और देखते हैं कि हमारी गाँव क्या कर रही है और बाकी लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है? आ जाए भाभी, बहुत अंधेरा हो रहा है आगे। फ्रेंड्स, तो अब हम लोग जा रहे हैं अगली गली में गायें देखने के लिए, वहाँ मैंने सुना है बड़े बड़े जानवर आए, बट रास्ते में आते हुए मैंने देखा कि यहाँ पे एक गाय बंद है। फ्रेंड्स ये देखें, आंखें नजर आ रही हैं, नशीली नशीली आंखें, सही है फ्रेंड्स? मैंने बड़ी मुश्किल से शीली शीली दिखा दो। अब ओहो माय गॉड, एक और है, जबरदस्त। कैसा लग रहा है आपको, कल आप कुर्बान होंगी? मेरी मेमे की आवाज़ पीछे से आ रही। अरे मेमे कहाँ है? अच्छा पिछले साल तो नजर आ रहा था। चले फ्रेंड्स आगे चलते, पापा वेट कर रहे हैं।
भी देखते हैं ना सिद्धि खाने। फ्रेंड्स ये देखें मेरी कजन्स मेरी भाभियाँ, ठीक है हम कदम होके चल रही हैं और अब हम आ गए हैं गाय के पास। अल्लाह इतना छोटा सा बैल है, क्यूट सा। अरे जल्दी जल्दी बहुत शरीफ है यहाँ वाकई, माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छे जबरदस्त। ये जा रहा था शाम में ना, कोई शरीफ नहीं होता ऊपर से अच्छे बैठे, मोबाइल लेके नहीं आई, मेरा तो स्नैप रह गई, स्टेटस रह गया। माशाल्लाह काफी जानवर है। मैं अरे सारे उन्होंने गली बंद कर दिए तो भाभी काफी बैल आए हुए हैं, एक सामने भी खड़ा हुआ है। हाँ हाँ भाभी हाथ लगाए, भाभी डर गई, भाभी डर गई, भाभी डर गई। और ये हमारे पापा लेकर आए हैं हमें बैल दिखाने के लिए। पापा आप भी हाथ लगाए ना जरा, ये जा रहे हैं लेकिन घर को जा रहे हैं। ये मेरे साथ प्रैंक हो गया है फ्रेंड्स, ये प्रैंक हो गया मेरे साथ, मैं समझी हाथ लगाने जा रहे हैं। चले यहीं से वापस चलते हैं। हाय चले भैया अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले जन्म में अगले साल। यार ये तोड़ती जाएगा, ये तो बिल्कुल गुलाब जामुन लग रहा है। चलें बैक टू होम। सन्नाटा। तो फ्रेंड्स हम लोग पिछली गली के जानवर देख के आ गए हैं, तो अब हम अपनी जगह पे आ गए हैं। यहाँ पे भी सोफे वगैरह हम लोगों ने सेट किए हुए हैं सिटिंग के लिए। अभी अप्पू जी लोग अपनी काव को हाथ लगा रहे हैं, प्यार कर रही हैं क्योंकि वो अभी बैठ गया है। और यहाँ पे राजा भाई की संगत कोने पे बैठी हुई है, मिल्क शेक गया है उन सब के लिए, बच्चों ने बना के भेजा है माशाल्लाह पूरा पतीला। तो पानी से पहले देंगे ना जी बेटा, पानी से पहले ठीक है, जरा मैं हाथ लगाती हूँ। अच्छा आके ऐसे चमक रही जैसे किसी का मोल्ड। अरे नहीं मैं मजाक क्यों करूंगा, इन लोगों ने वीडियो लगाया ना, ऐसा आराम से लगा। हां ऐसे अरे नहीं कुछ भी नहीं करेगा, गुर्रा रहा है बस। और कुछ तो तुम्हारी तरफ से अजान जी। तो फ्रेंड्स अब हम थक के आ गए हैं, इस टाइम हो रहे हैं सुबह के 4:30 और अजान की आवाज़ें आ रही हैं, फजर का टाइम हो चुका है। तो अब मैं अपने व्लॉग को फ़िलहाल अभी यहीं पर ही एंड करती हूँ और इसके बाद इंशाल्लाह कल मैं बकरा ईद का व्लॉग बनाऊँगी इंशाल्लाह, और काओ कटिंग की वीडियो दिखाऊँगी आपको। बोल जब कुर्बान होगा तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो बना लूँ और आपके साथ शेयर करूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग को मेरा व्लॉग अच्छा लगे फ्रेंड्स तो मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, भूलिएगा नहीं फ्रेंड्स, ठीक है। और अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।